उत्तर प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, किसानों को अनुदान दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब पूर्वांचल के 6 जिलों में प्राकृतिक खेती की जाएगी। बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, भदोही और सोनभद्र के 29 ब्लॉकों के 10,550 हेक्टेयर में गोवंश आधारित प्राकृतिक खेती की जाएगी। प्राकृतिक खेती में हाइब्रिड का प्रयोग करने की मनाही होगी। किसान प्राचीन समय से बुआई के लिए प्रयोग हो रहे घर के बीज ही प्राकृतिक तरीके से बोएंगे। जिन जिलों में प्राकृतिक खेती होगी वहां कृषि विभाग ब्लॉकवार क्लस्टर तैयार करेगा। विभाग की ओर से प्रत्येक क्लस्टर में किसानों को प्राकृतिक तौर तरीके से खेती के गुण सिखाने के लिए प्रत्येक क्लस्टर में विशेषज्ञ प्रशिक्षक तैनात किए जाएंगे। प्राकृतिक खेती के लिए खेत की मिट्टी की जांच कराई जाएगी ताकि जिस तत्व की कमी है उसकी पूर्ति की जा सके, लेकिन इसमें रासायनिक खाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाएगा। साथ ही प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को गाय रखना आवश्यक होगा। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहन के रूप में प्रति हेक्टेयर 4 वर्षों में 15,000 रुपए दिए जाएंगे। कृषि उपनिदेशक इंद्राज ने बताया कि जिले में गोवंश आधारित प्राकृतिक खेती के लिए साथ ही कुछ प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। गंगा किनारे के 5 ब्लॉकों में 25,000 हेक्टेयर में किसानों का लक्ष्य निर्धारित है। प्राकृतिक खेती के जरिए मक्का, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, रागी, कोदो, चीना, सावा, टांगुन, कुटकी के साथ ही दलहनी में तीसी, सरसों, सब्जियों में देसी प्रजाति के टमाटर, गोभी, बैगन, मर्चा का उत्पादन किया जाएगा। गौरतलब है कि अधिक उपज के लालच में किसान रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर भी बुरा असर पड़ रहा है। पर्यावरण असंतुलन हो रहा है, ऐसे में सरकार ने गोवंश आधार फसल उत्पादन योजना शुरू की है, जिसमें रासायनिक खाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि गोबर के खाद, कंपोस्ट, फसलों के अवशेष व प्राकृतिक में उपलब्ध विभिन्न खनिजों के माध्यम से पौधों को पोषक तत्व दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, UP 60 न्यूज़।